चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। नलिन, मुझे कुछ कहना है। अभी भी कुछ और कहने को बचा है? सब कह तो दिया। लेकिन मैंने ये सब क्यों कहा, ये नहीं जानना चाहोगे? दरअसल बात ये है कि नलिन, मेरे अलावा ये बात सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ तुम। लेकिन तुमने ये बात अभी तक मंगा चाचा और चाची जी से कही क्यों नहीं? मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, पर सही वक्त आने पर। लेकिन ये बात तुम्हें, सच तो ये है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं घर में किसी को ये बात बता सकूं। मैं समझ सकता हूँ विद्या, लेकिन ये बात तुम्हें छुपानी नहीं चाहिए उनसे। आज नहीं तो कल ये बात उन्हें पता चली जाएगी, तो आज क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ चाचा जी से शुरुआत करो, चाचा जी को बेशक बाद में बता देना। वैसे भी तूफान जितना देर से आए उतना ही अच्छा होता है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या कह रहा था ये? वो कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। देख विद्या, छुपा मत, सच सच बता, क्या बात है? वो अम्मा, नो डीके नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी कोई डिलीवरी नहीं करा सकता हूँ, पुलिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं वापस फोन करता हूँ। Hey baby, hello। सुना आजकल बहुत गुंडे गुंडे पड़ रहे हैं तुम्हारे पीछे। अपने बॉस के कहने पर। अभी को कोई शक तो नहीं हुआ? चांस ही नहीं था, आफ्टर ऑल एक्टर मैं जो थी। नताशा, तुम्हें अभी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसका नाम अभिमन्यु है, बहुत तेज नजर है उसकी। रिलैक्स करण, उसको जरा सा भी शक नहीं हुआ, इनफैक्ट वो तो मुझे घर तक छोड़ने के लिए तैयार था, पर मैंने तो उसको साफ साफ कह दिया मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। करण, आर यू श्योर तुम ये सब करना चाहते हो? आई मीन मेरा अभिमन्यु के करीब जाना, उसे दोस्ती बनाना, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा?
नताशा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला, तुम्हारे और मेरे डैड की मौत का बदला। और ये जो काम तुम करने जा रही हो सिर्फ एक छोटी सी कीमत है उस बदले की। आओ, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि तुम्हें आगे क्या करना। इतनी बड़ी बात और तूने मुझे बताया तक नहीं। मां मां, मैंने सोचा कि हाँ हाँ तूने सोचा कि माँ को बताने की क्या जरूरत है। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे बात तो करती। मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। देख विद्या, मैं ये नहीं कह रही कि तूने जो किया है वो गलत है, और अगर सच पूछे तो मुझे इस बात की खुशी भी है। लेकिन दुख तो ये है विद्या कि तूने मुझसे ये बात छिपाई। क्यों विद्या, क्यों छिपाई मुझसे ये बात? मैंने कब तेरा साथ नहीं दिया बेटा? नहीं माँ, तुम्हारे साथ और तुम्हारे दिए हुए हौसले के बिना मैं इतना बड़ा फैसला कभी नहीं ले पाती। और सच तो ये है माँ कि मैंने आपसे और पिताजी से ये बात सिर्फ इसलिए छिपाई क्योंकि क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी माँ। मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोग कैसा सोचेंगे, मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की क्या? नहीं विद्या, जिंदगी तेरी अपनी है, इसीलिए फैसले भी तेरे ही होने चाहिए। लेकिन बेटा सवाल ये है कि इनसे क्या कहा जाए? मुझे पता है कि पिताजी से क्या कहना है। क्या कहना है? सच। मैं वही कहूंगी जो सच है। जीत, जीत बेटा उठ। जीत क्या माँ? सोने दो ना। जीत उठ बेटा, जल्दी उठ, देख मैं तेरे लिए गरम गरम चाय लाई हूं। उठ, ये ले गरम गरम चाय पी। क्या माँ, 8 बजे अभी तक तो, इतनी सुबह सुबह। आज से तू इतनी सुबह ही उठेगा। क्यों? इसलिए कि सुबह उठकर हम दोनों बहू की मदद करेंगे। नहीं माँ जी, इनकी क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं है, सारा दिन साफ सफाई चूल्हा चौकी करती रहेगी तो कंपटीशन की तैयारी कैसे करेगी? मैं सब संभाल लूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? सारा दिन अगर चूल्हा चौकी में करती रहेगी तो फिर ये प्रतियोगिता की तैयारी कैसे करेगी और जीतेगी कैसे? दिन पर दिन बीता जा रहा है और मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब सर ही हिलाता रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? ठीक है ना माँ, जैसा तुम कहो। ठीक, शाबाश मेरा लाडला।